ग्राम पंचायत बाटखेड़ी द्वारा पंचायत भवन परिसर में बुधवार को दोपहर 12 बजे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 9 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पूर्व सभी स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकाली। पंचायत परिसर में कार्यक्रम के दौरान शिक्षक कमलेश पाटीदार ने सभी स्कूली बच्चों को जिले सहित राज्य से जुड़ी जानकारी दी, वही वीर शहीद महापुरुषों की इतिहास का वर्णन किया। कार्यक्रम के अंत में नीमच जिले में होने जा रहे आगामी 12 अगस्त को विशाल रक्तदान आयोजन की जानकारी देते हुए रक्तदान के प्रति बच्चों को जागरूक किया व जागरूकता शपथ दिलाई। झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आज का प्रोग्राम भाटखेड़ी ग्राम पंचायत भाटखेड़ी और समूचे स्कूल ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के अंदर लगभग 9 स्कूल हैं, सभी 9 स्कूल के माध्यम से भाटखेड़ी में रैली निकाली गई और उसके उपरांत यहाँ बच्चों के माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को प्रश्न पूछे गए और जवाब तलब भी हुए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। उसके बाद पूर्व सैनिक जो भाटखेड़ी के हुए हैं उनका सम्मान किया गया, उन्हें मंचासीन किया गया, उनका उद्बोधन हुआ, उसके उपरांत बच्चों को मिष्ठान वितरण किया और ये समापन। ये आयोजन का मूल उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके मद्देनज़र ये आयोजन किया गया था। 12 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये भाटखेड़ी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि रक्तदान शिविर के लिए भाटखेड़ी गांव को चुना गया, और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि 1998 में जब पहली बार नीमच की स्थापना हुई थी, जिला बना था, तो उस दौर में जिन लोगों के प्रयास रहे थे उसको हमें उस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर भाटखेड़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। रक्तदान शिविर ग्राम पंचायत भाटखेड़ी और समूचे गांव के माध्यम से किया जाना है। इससे पहले भी कीर्तिमान स्थापित किए थे भाटखेड़ी ने, तो सभी का सामूहिक सहयोग रहेगा। रक्तदान को लेकर के युवाओं से मेरा यही अनुनय रहेगा, यही विनय रहेगा कि रक्तदान को लेकर के किसी भी प्रकार का डर मन में न रखें। रक्तदान एक बहुत ही नेक कार्य है और इससे आपके शारीरिक पुष्टता में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आता है, इसलिए आप निस्संदेह आगे आकर के रक्तदान करें और किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अपने रक्त की बूंद का महत्व उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनासा से बद्रीलाल गुज्जर की रिपोर्ट।